वेरी गुड मॉर्निंग। आज कल बारिश हुई थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं। आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है आपका, ये वीडियो आज थोड़ा सा लुकिंग में हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे। पहले हम कल के प्रोग्राम को डिस्कस कर लें कि जो प्रोग्राम हमने बनाया था। आज जो दो तीन प्रोग्राम हम देंगे, बनाएंगे या देंगे, वो प्रोग्राम को कोशिश कीजिएगा बनाने की। और अभी भी अगर कोई प्रोग्राम रन नहीं करा पा रहे हैं आप में से कोई भी लोग, तो फिर कह रहा हूँ कि आप C++ का एडिटर कंपाइलर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, और उसमें इन प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाने का भी मेरे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहां तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर बाद में आपको नया कोई प्रोग्राम दिया जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। कल हमारा प्रोग्राम ये था कि 100 to 1 ऑड नंबर प्रिंट करने थे, सारे ऑड नंबर 100 से 1 के बीच। तो वॉइड लगा लीजिएगा, INT जो नंबर हम लेंगे वो 99 होगा, क्योंकि 100 से 1 के बीच में जो पहला उल्टे क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पहला ऑड नंबर पड़ेगा वो 99 होगा। तो 99 होगा, उसके बाद गो टू से ही बना देता हूं, XY नाम से हमने एक लेवल बना दिया और यहां हम इस 99 को प्रिंट करा दें। आपका एन प्रिंट कर दिया हमने, एन इक्वल टू 99 लेना है, एन हमने प्रिंट कर दिया, फिर एन माइनस माइनस किया हमने, माइनस माइनस करने से क्या होगा, 98 हो जाएगा, जो कि इवन सॉरी ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो यहाँ माइनस इक्वल टू कर दीजिए, यानी इसमें से 2 माइनस होगा तो वो अगला ऑड नंबर मिल जाएगा। और यहाँ चेक कर लीजिए, अगर n बड़ा है 0 से तो गो टू XY, उसके बाद गेट CH, काम बहुत सिंपल सा है। 99 से स्टार्ट होगा, पहली बार 99 प्रिंट होगा, 99 प्रिंट होने के बाद से वैल्यू माइनस 2 होगी, 97 होगी, चेक करेगा 97 जीरो से बड़ा है, वापस XY पर जाएगा, यानी फिर 97 प्रिंट होगा, फिर 95 होगा उसकी वैल्यू माइनस 2 होकर के, वो भी बड़ा है, फिर वापस जाएगा 95 प्रिंट करेगा, 93 होगा फिर 93 प्रिंट करेगा, 91 होगा 91 प्रिंट होगा, फिर 89 होगा 89 प्रिंट होगा, 87 होगा 87 प्रिंट होगा, ऐसे करते 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 आपका 1 तक प्रिंट होगा, यानी 100 से लेके ए 1 के बीच के सारे ऑड नंबर इंक्लूडेड 1 आपके प्रिंट हो जाएंगे इस प्रोग्राम से, ठीक है। इसके बाद आपको मैं दो तीन सीरीज दे रहा हूं, या छोड़िए सीरीज कहता हूं, आज का जो प्रॉब्लम है वो है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। टेबल का प्रोग्राम क्या होता है, इसे मान लीजिए आपको n का टेबल प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करना है, n into 1, n into 2, n into 3, n into 4, n into 5, n into 6, n into 7, n into 8, n into 9, n into 10। यानी 1 से लेके 10 तक का वो नंबर 1 से लेके 1 to 10 मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है वो उसका टेबल होता है। तो यहाँ देखिए, एक तो ये सीरीज बढ़ रही है प्लस 1 की सीरीज में, और एक ये नंबर कॉमन है जो हमने इनपुट किया है। तो जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h void main int n, और एक काउंटर के लिए या c, इसकी वैल्यू कर दीजिए C=1, clr स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से इनपुट कर दीजिए printf/n इनपुट एनी नंबर स्कैन ऑफ %d %n। आपका आपने n इनपुट कर लिया, c की वैल्यू पहले से ही 1 है,
या एक लेवल बना लीजिए एक्स वाई के नाम से, प्रिंट एफ परसेंट डी एन इंटू सी, एन को सी से पहली बार वन से गुणा हो जाएगा, उसके बाद सी प्लस प्लस कर दीजिए, चेक कर लीजिए अगर सी लेस देन इक्वल 10 तो गो टू एक्स वाई गेट सी एच। आप इस प्रोग्राम में देखिए कि क्या है आपका कि हैज इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच पहली लाइन, दूसरी लाइन हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तीसरी लाइन वाइड मेन, चौथी लाइन में आई एन टी दो वेरिएबल एन और सी इक्वल वन ले लिया है और इसके बाद से स्क्रीन क्लियर कर दिया है। फिर प्रिंट एफ स्लैश एन इनपुट एनी नंबर, नंबर को इनपुट कर लिया है, स्कैन एफ उसको हमने इनपुट कर लिया, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट एन एक्स वाई और एक्स वाई का लेवल बना करके प्रिंट कर दिया हमने एन इंटू सी, यानी एन इंटू सी मतलब सी की वैल्यू वन और एन वन ही एन की जो भी वैल्यू आपने दी उसके मल्टीप्लाई होगा और आपका वो प्रिंट हो जाएगा। फिर सी लेस देन इक्वल 10 चेक होगा, जब तक सी की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक ये दोनों काम, यानी ये प्रिंट होते रहेगा और ये आपका एक आपका प्रिंट होता रहेगा एन एन इंटू सी और सी आपका बढ़ता रहेगा, यानी ये मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। देखिए कैसे होगा, जब आपका पहली बार आएगा आपने मान लीजिए एन की वैल्यू आपने इनपुट कर दी 4, ठीक है, यहां से आपका 4 इनपुट हो गया, एक्स वाई आपका आ गया। अब यहां प्रिंट करना है एन इंटू सी, यानी 4 इंटू वन यानी 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सी प्लस प्लस होगा, सी प्लस प्लस मतलब सी की वैल्यू 1 थी अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, चेक करेगा सी लेस देन इक्वल 10 यस, वापस ये वाला काम होगा, यानी 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है अब 2 हो गई है, 4 इंटू 2 यानी 8 प्रिंट होगा। इसके बाद सी प्लस प्लस यानी सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, चेक करेगा सी लेस देन इक्वल 10 यस, फिर वापस जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 होगा, सी प्लस प्लस 4 होगी, सी लेस देन इक्वल 10 यस, वापस 4 इंटू 4 बराबर 16, इसके बाद C++ यानी C की वैल्यू हो जाएगी 5, C लेस देन इक्वल 10 यस, C की वैल्यू 5 है छोटी है, फिर आपका n की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 5 आपका 20 प्रिंट हो जाएगा, देन आफ्टर C++ यानी C की वैल्यू 6 हो जाएगी, C लेस देन इक्वल 10 यस, 4 इंटू सी, सी मतलब 6 मतलब आपका 24 प्रिंट होगा, सी लेस देन इक्वल 10 नहीं सॉरी 24 प्रिंट होने के बाद से क्या होगा, 24 प्रिंट होने के बाद से तुरंत सी प्लस प्लस यानी सी की वैल्यू 7 हो जाएगी, सी लेस देन इक्वल 10 यस, 4 इंटू 7 28, सी प्लस प्लस सी की वैल्यू 8, सी लेस देन इक्वल 10 यस, 4 इंटू 8 32, C++ 9, C less than equal 10, yes, 4 into 9, 36, C++ 10, C less than equal 10, yes, less than तो है ही है, लेकिन equal to है, C less than equal 10, और 4 into 10, 40, C++ 11, C less than equal 10, no, काम खत्म, यहाँ फिनिश हो जाएगा, आपका प्रिंट क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ये देखिए 4 का टेबल आपका, चूंकि आपने 4 नंबर 4 आपने n की वैल्यू 4 इनपुट की थी तो आपके 4 का टेबल आपके सामने प्रिंट हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ये आपका पूरा आपका 4 का टेबल प्रिंट हो गया। आप इस तरह के प्रोग्राम को बना करके और आप इसको जब ड्राई रन कराएंगे, जो मैंने आपको ड्राई रन कराया है, तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी चेंज कीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इफ गो टू से, इसको आप व्हाइल से बनाइएगा, फॉर से बनाइएगा और डू व्हाइल से बनाइएगा।
आज आपका होमवर्क यही है, आप प्रयास कीजिएगा कि आप इसी प्रोग्राम को फॉर से, वाइल से और डू वाइल से बनाएं और बना करके एक नया नंबर मान करके उसको ड्राई रन कराएं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करके इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल फिर मिलूंगा आपके साथ, कल नहीं सॉरी मंडे को। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।